हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपने घर पे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि ये महामारी बहुत ही जानलेवा है। तो अच्छा है कि आप सब अपने घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो आज हम एक बहुत अच्छी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है बायफेजियल सोलर पैनल। आज हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कैसे होते हैं, इनकी कॉस्ट क्या होती है और इन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आजकल मार्केट में बहुत टाइप के सोलर पैनल आने लगे हैं। बेसिकली ये तीन टाइप के होते हैं, 36 सेल, 60 सेल और 72 सेल। और रिसर्च के द्वारा देखा गया है कि जो 72 सेल यानी 72 सेल वाला जो सोलर पैनल है, वो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ होता है। 72 सेल के सोलर पैनल में अगर मैं पॉलीक्रिस्टलाइन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 250 वाट से लगा के 320 वाट तक का वैरायटी देखने को मिलता है। और वहीं मोनोक्रिस्टाइन के अंदर आपको 320 वाट से लेकर 400 वाट तक का वैरायटी देखने को मिलता है। आज के समय में जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है सोलर पैनल में, वो ज़्यादातर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल की ही देखी जा रही है। अब इसी का एक फर्दर पार्ट है मोनोपर्क सोलर पैनल। अब नॉर्मल सोलर पैनल में तो क्या है, उस पर जितनी जितनी सनलाइट जाएगी, उस सोलर पैनल की परफॉर्मेंस उतनी डाउन जाती जाएगी। नॉर्मल सोलर पैनल की तो यही बात है, लेकिन मोनोपर्क सोलर पैनल में इसमें जितनी लाइट सोलर पैनल पे गिरती है, उससे जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होनी होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है, और बची हुई जो एनर्जी, बची हुई जो सनलाइट होती है, वो पैसिवेशन लेयर से रिफ्लेक्ट होके वापस सोलर सेल्स में चली जाती है। इसका ये फ़ायदा है कि सोलर पैनल इससे बहुत कम हीट एमिट करता है और थोड़ा ज़्यादा लंबा चलता है। अगला टाइप है हाफ कट सोलर पैनल। अब ये कब फ़ायदा करता है, बहुत बार होता है छत पे हमारा सोलर पैनल है, अब उसके ऊपर कभी शैडो आएगी, कभी बादल आ गए, तो हमारा सोलर पैनल का परफॉर्मेंस डाउन जा सकता है। लेकिन वहीं हाफ कट सोलर पैनल को सेक्शन में डिवाइड किया होता है, जैसे दो सेक्शन को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। अब अगर आधे सोलर पैनल पे शैडो आ रही है या फिर आधे सोलर पैनल पे कुछ प्रॉब्लम है, तो जो बचा हुआ आधा सोलर पैनल है वो अपना काम बखूबी करता रहता है। अब बात करते हैं बायफेजियल सोलर पैनल की। बायफेजियल सोलर पैनल दोनों तरफ से काम करता है, यानी कि ऊपर से भी और नीचे से भी। अब जैसे कि ऊपर सनलाइट पड़ती है और अगर ऊपर से रिफ्लेक्ट करके नीचे भी कहीं से रिफ्लेक्शन पड़ जाती है, माना किसी ग्लास से, या बची रेस कहीं से भी रिफ्लेक्ट करके पैनल की नीचे की तरफ भी जाती हैं, तो बायफेजियल सोलर पैनल नीचे की तरफ से भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी कि बायफेजियल सोलर पैनल दोनों तरफ से काम करता है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो सबसे पहले फ़ायदे गिन लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि अब इसमें ज़्यादा सेल हैं, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसकी मजबूती ज़्यादा है। और जो नॉर्मल सेल है वो 25 साल कुछ चलता है, और जो बायफेजियल सोलर पैनल है वो 30 साल तक वारंटी प्रोवाइड करता है। और क्योंकि ये बायफेजियल है तो ज़्यादा एनर्जी एमिट करता है, तो वहीं अगर नॉर्मल सोलर पैनल 20% एनर्जी एमिट करता है, 20% एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो वहीं बायफेजियल सोलर पैनल 25% एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि ये स्पेस बहुत बचाता है। अगर हमारे पास कम स्पेस है और हम जैसे दो सोलर पैनल नहीं लगा सकते, तो एक बायफेजियल सोलर पैनल भी लगभग दो के बराबर ही है। एक बायफेजियल सोलर पैनल अगर साइज़ में नॉर्मल सोलर पैनल से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये काम उससे डबल करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक कॉस्टिंग की, कि ये बाज़ार में कितने रुपए तक का बिकते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो आपको 21 रुपए से लेके 25 रुपए तक अवेलेबल है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल वहीं 24 रुपए से कम लेकर 30 रुपए तक का अवेलेबल है, और बायफेजियल सोलर पैनल 38 रुपए से लेकर 46 रुपए तक मिलता है। अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन यानी एंड पॉइंट पे, कि इसको खरीदना चाहिए या नहीं, और खरीदना चाहिए तो कौन सा खरीदना चाहिए। अब आप मेरी माने तो आपको बायफेजियल सोलर पैनल के लिए ही जाना चाहिए, क्योंकि बायफेजियल सोलर पैनल एवरेज कॉस्ट में भी आ जाता है, और इसके डबल फायदे तो हैं ही, क्योंकि ये एनर्जी ऊपर से भी प्रोड्यूस करता है और नीचे से भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सनलाइट इसकी ऊपर की परत पे पड़ती है, उससे तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता ही है,
पर जो सनलाइट इसके निचले हिस्से पर पड़ती है रिफ्लेक्ट होकर ये उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये टोटल विन विन सिचुएशन है। आप बाइफेजल सोलर पैनल के लिए आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम ये सोचेंगे कि सोलर पैनल खरीदें तो कहाँ से खरीदें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो सोलर पैनल्स बनाती होंगी। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूँ, एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नाम है प्रोनाउंस सोलर, यानी कि प्रोनाउंस सर्विसेज। यह कंपनी 2018 में इस्टेब्लिश हुई थी दिल्ली, इंडिया में। इसके फाउंडर हैं मिस्टर अनूप सिंह जी, जिनका मानना है कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी चीज़ है। इनके प्रोडक्ट्स बहुत रीजनेबल प्राइजेस पर होते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। ये अपने कस्टमर से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाते हैं, तभी अपने कस्टमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। यह कंपनी सोलर चार्जर कंट्रोलर, सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर जैसी चीज़ें बनाती है। यह कंपनी क्वालिटी के नाम पे बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं करती। तो अगर आप सोलर पैनल खरीदने की सोच रहे हैं तो बेझिझक प्रोनाउंस सोलर यानी प्रोनाउंस सर्विसेज से खरीद सकते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।